3, 2, 1, गो। ओ भाई ये देखो इतना रिफ्रेशिंग। तो नमस्ते एवरीवन, गर्मियां आ गई है तो भाई कुछ नया ट्राई करना तो बनता है। तो आज मैं लाया हूँ रेसिपी आपके लिए अमेजिंग सी फुल जार सोडा। देखते हैं कैसी बनती है। तो भाई फुल जार सोडा के लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है धनिया और पुदीना, उसके बाद हमको लगी अदरक, शक्कर, लेमन जूस, ये 3 लेमन्स का निकाल के रखा है मैंने, जीरा पाउडर, हल्की सी काली मिर्च और नॉर्मल सॉल्ट। तो भाई सबसे पहले हम लोग डाल देंगे हमारा पुदीना और उसके साथ धनिया। अब इसके बाद भाई हम लोग डाल देंगे थोड़ी सी रेड चिलीज, टेंशन मत लेना, ज़्यादा तीखा नहीं रहता है। अब डालेंगे हम लोग इसमें शक्कर, आप अपने मीठे के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। थोड़ा सा और डाल देता हूँ। अब ले लेंगे थोड़ी सी काली मिर्ची। अब भाई इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। अब इसके बाद ना गाइस थोड़ा सा मैंने काला नमक भी ले लिया है, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा ज़्यादा खट्टा करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा खट्टा हो रहा है तो अपन उसमें और चीनी ऐड कर देंगे। अब इसमें मैंने जो लेमन जूस लिया था वो इसमें ऐड कर दूंगा। उसके बाद इसमें डाल दूंगा मैं अदरक का टुकड़ा और बस थोड़ा सा पानी डाल दूंगा ताकि अच्छे से पिस जाए और इसका पेस्ट बन जाए। चलो पीसते हैं। तो भाई देखो कुछ ऐसा निकला है हमारा पेस्ट, दम गाढ़ा भी है, ज़्यादा थिक भी नहीं है। चलो अब इसको डालते हैं अपन सोडा में। तो भाई अब हमको लेनी है सोडा और हम डाल देंगे इसे हमारे मग में। ध्यान रखना हमको ज़्यादा नहीं भरना सोडा, क्योंकि हमको इसमें डालना है हमारा फुल जार वाला पेस्ट। तो ये देखो भाई, इसको भी शॉर्ट बना दिया हमने और अब इसे हमें इसमें डालना है। चलो दिखाता हूँ। तो गाइस क्या आप रेडी हो भाई फुल जार सोडा के लिए। तो ये ले लिया मैंने शॉट वाला ग्लास, ये हम डालने वाले इसमें। तो 3, 2, 1 वो। ओ भाई ये तो, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई हा, इतना अमेजिंग, इतना रिफ्रेशिंग, सॉरी बहुत ज्यादा मजा आया मेरे को भाई। ये आप भी ट्राई करो, बनाओ। तब तक के लिए दिस इज योर होस्ट तुषार धनवानी साइनिंग ऑफ।